ये हैं जी मिस्टर नवीद, और ये है मिस्टर नवीद की वो मल्ला, और वो है नवीद का पीसीओ जो था। रमीज याद आया, यहाँ पे रमीज, ये सामने डोर रखा था, मैंने पैसे जमा करवाने जाना तो रमीज अंकल के पास जाता था। वो ही बंदा है, हैं तो ये बदल गया, साफ हो गया। यकीन करो इन्ना अच्छा काम, रजाइयां दा रिस्पांस मिलिया, असीं कंबल लियांदे, रजाइयां मैं लिया, भाई असलम नूं लिया के इत्थे देंदे सन, पुछ लो इन्हां नूं। जनाब मतलब दो दिन में ही खत्म हो जाते थे। बस अल्लाह पाक है ना। और तुम्हें बच्चों बच्चों का क्या हाल है? ठीक ठाक बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बहुत सारे मेरे मजाक करते हैं। कहनी क्या अच्छे नहीं है, कितने काम हो रहे हैं। बाकी गल्ला बढ़िया सुनिया के अगर दुकान चलाई है तुम्हारे को चलिए बाकी इतने 8-7-8 साइकिलें, 7-8 साइकिलें हर वक्त मौजूद। और मेरा Brava, e vive a France, no? Brava. Sì. Ma anche lei dice che siete una persona per bene. Grazie, grazie. Come stai? Ora. E bambini, come va? Oui. Ti vive a Italia, no? No. In Francia. Come sa? Ti è venuto a visitare? Oui. La Francia forse è meglio, Oui. Molto meglio. Te lo dicevo, Allora. Sì, allora marito, sì. Famiglia? Sì, tutto bene. Tutto bene? Sì, tutto bene ora. Grazie. Grazie signora, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ciao. मजबूर कदिया ने 20 यूरो कर ले एक दाड़े सोने या गालियां लेके आ। ओ मुझे पता है आपने इसको बड़ी दफा उधार भेजे, दो महीने पूछा ही नहीं हैं। तुम फखर होना चाहिए कि तेरा जाना अच्छे काम करे तो फखर है ना। देखिए हर बंदा इतनी रिस्पेक्ट करता है, जिसके घर चले जाओ हर बंदा बहुत, इसलिए तो हम लोग इटली को भूल नहीं पाए। तो बाकी कहाँ अब मान खत्म होता है मेरी जान। ये इटली में जब भी आती हूँ ना तो इतनी अच्छी अच्छी है, ये परातो वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोग मेरे ट्रैवल व्लॉग्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे ना हौसला दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे, आमीन। ये है जी वो ऑफिस, ये है वो शॉप जो बड़े प्यार से सींची गई, बड़े प्यार से नवीद ने बनाई थी अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। इतने साल परदेश में धक्के खाने के बाद इस दुकान को हमने जब बनाया, सजाया, संवारा तो हमने इसको दुकान नहीं समझा था, अपना घर समझा था। ये जो सामने आपको कर्टन नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे हमने जो है ना एक छोटा सा समझे रूम बनाया हुआ था, वहाँ पर हमने बेडरूम लगाया हुआ था रमीज़ को सुलाने के लिए। रमीज़ भी वहाँ सो जाया करता था, फिर जब नवीद बीमार हुए तो नवीद भी वहाँ पे रेस्ट किया करते थे।
इतने सालों की मेहनत के बाद नवीद ने ये एक नन्ना सा पौधा लगाया था और दिन रात इसकी मेहनत से आबियारी करने के बाद जब ये पौधा अपनी पीक पे गया ही था तो हम लोग यहाँ पे आए और हमारे आते ही एक मंथ के बाद नवीद के किडनी जो हैं दोनों डैमेज हो गए। फिर हालात ने क्या पलटा खाया वो आप लोगों के सामने है, कहां से कहां आ गए हालात। हालात तो हालात, नवीद की बीमारी कंटिन्यूस चल रही है, अभी तक उनके डायलिसिस हो रहे हैं, 6 इयर्स हो गए हैं और अभी तक उनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। यहां से इटली से फ्रांस आने की वजह भी ये थी कि हम जस्ट ट्रांसप्लांट के लिए आना चाहते थे, तब सुना था कि बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाता है। इटली में हमें डॉक्टर्स ने ज़्यादा टाइम बताया था, सो हमने जस्ट ये सोचा कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, कारोबार घर हर चीज़ बन जाती है, लेकिन पहले सेहत आनी चाहिए। ये तो सोचा ही नहीं था कि कोविड आ जाएगा, वहाँ पे भी इतने सारे साल लग जाएंगे। और आज भी नवीद जब इस शॉप पे गए और इतनी सारी यादें, नवीद का दिल कर रहा था कि बस मैं यहाँ पे ही बैठा रहूँ। और भाई ये जो जिन्होंने शॉप ली थी, एक और ने ली थी, उनसे उन्होंने आगे से किसी और को बेच दी, तो ये वही थे, इतने प्यार से कि नवीद को मिले। और नवीद का एक अदा कोई लेटर भी आया हुआ था, वो भी उन्होंने नवीद को दिया। और इन सब की मोहब्बतें मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। भाई ने कहा कि आज भी इस शॉप के दरवाजे आपके लिए हमेशा से खुले हैं, आप अगर वापस आना चाहते हैं तो मैं ये शॉप आपको वापस कर दूँगा। मैं जानता हूँ कि आपने इस शॉप पे कितनी सारी मेहनत की है और हर बंदे के ख्वाब होते हैं ना घर को सजा, जैसे औरत का ख्वाब होता है ना घर को सजाना संवारना, इसी तरह मुझे लगता है कि हर मर्द का ख्वाब होता है एक कारोबार को बिल्डअप करना और फिर उसको परवान चढ़ाना। नवीद तो यहाँ तक कहा करते थे कि ये शॉप कल को मेरे बच्चे एक शॉप से दो शॉप बनाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ तक अरूज तक ये कारोबार लेके जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन नहीं जानते थे कि किस्मत में क्या लिखा है, वक्त ने तकदीर ने हमारे लिए क्या लिखा है, ये कोई भी नहीं जानता। लेकिन मेरा अल्लाह की ज़ात पे आज भी यकीन है, अगर खुदा की ज़ात इंसान से कोई एक चीज़ लेती है ना तो उसका नेमुल बदल उस इंसान को ज़रूर मिलता है। आपकी मेहनत, आपका सब्र कभी भी रायगा नहीं जाता। आपने यकीन नहीं करना कि नवीद कितना सारा सैड हुए थे बाहर निकल के, फिर नवीद इतना ज़्यादा रोए भी। लेकिन नवीद को मैंने यही कहा कि कोई बात नहीं, वक्त ज़रूर बदलता है, हर रात के बाद ज़रूर जो है ना रोशन चमकती सुबह आती है जब इंसान सब्र करता है। और आपने तो सिर्फ सब्र नहीं किया बल्कि बीमारी से भी आप इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं, हर हाल में आपने उसकी रब की ज़ात का शुक्र किया है, तो कैसे नामुमकिन है कि वो हमें अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे ही रखेगी। यहाँ पे थी जब हम आए थे तो सबसे पहले हम यहाँ पे रहे थे, इस गली में हमारा घर था और काफ़ी टाइम पे हम यहाँ रहे, फिर शॉप के ऊपर हमें घर मिल गया, हम लोग वहाँ चले गए। इस गली के अंदर एंटर हो तो बिल्कुल साथ सामने हमारा घर था। पहली ईद, बड़ी ईद हमारी जो थी यहाँ गुजरी, बच्चों के साथ इधर सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। पहली बकरा आई थी जब हम आते साथ, एक दो वीक के बाद थी, तो नवीद ने कुर्बानी के लिए बकरा भी लिया, फिर हम लोगों ने सारा बकरा जो है नवीद के फ्रेंड्स में बांटा, फैमिलीज में। बहुत यादें हैं, बहुत यादें। यहाँ से मुझे नवीद ने मेकअप लेके दिया था उस ईद पे, मुझे याद है, मैं आने आके इसी एक दिन पहले यहाँ से हम लोगों ने मेकअप लिया था। जिला तेरिया था यहाँ पे, जला तो खाई बच्चों ने भाई, अभी भी है ये। यहाँ से मैंने बच्चों के कई बार कपड़े भी लिए। और हमारा जो घर था ना उसको दो गलियाँ लगती थी, एक वो जो पीछे आपको मैंने दिखाई है और एक साथ जो है ना ये वाली गली। यहाँ इस प्यासे में कितना हम आके बैठते थे, और पता है एक दफ़ा इनका कोई फेस्टा था जिसमें उन्होंने इतने ढोल बाजे बजाए, इतना
ये एक गली थी, यहाँ पे हम लोग आके बैठते रहते थे। मुझे वो छोटे छोटे फाइक रमीज़ याद आ गए। रमीज़ कितना था, 1 साल का, 1.25 साल का, 5 3 साल का, और नताशा 6-7 साल की थी। ये भी पीने हैं, पिज़्ज़ेरिया बनाए, पहले ये पिज़्ज़ेरिया नहीं था। कितना कुछ बदल जाता है ना, है ना। वी जी यहाँ पे थोड़ा सस्ताने बैठ गए हैं, थोड़ा थक गए हैं, यहाँ पे बैठ गए हैं। असल में यहाँ पे चलना भी बड़ा पड़ता है, और फिर इनको फ्लू भी हुआ है, थकावट भी बहुत है। इधर रहे थे आप? अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते करते ना हम ये मोहल्ला सारा घूमे हैं। यहाँ पे ये चैंतरों का एरिया मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा, और बड़ा सारा अच्छा वक्त था जो हमने यहाँ पे देखा, बहुत अच्छा वक्त था। बुरा वक्त भी इंसान कभी नहीं भूलता, और अच्छा वक्त तो वैसे ही कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और वो जो टाइम था ना, वो बहुत ही बेफिक्रा सा टाइम था, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हुआ करती थी, पहनने से लेके खाने। ये है जी वो मार्केट प्रेम जी, और यहाँ मैं अपने बच्चों के कपड़े लिया करती थी हमेशा। चलें, बंद तो नहीं है? 3:30 बजे खुलेंगे। ओए अल्लाह, वो है अंदर ही, वो खुलेगी ना, अभी टाइम नहीं है, तो फिर आ जाते हैं। ये है वो जगह, इधर हम बैठे थे बड़े ईद वाले दिन, हमने इतनी तस्वीरें बनाई थी। मैं आपके साथ एक तस्वीर ज़रूर शेयर करूँगी, मेरे पास एक दो तस्वीर है इस जगह की, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बाहर थी, हमने बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पी, बच्चे यहाँ खेलते रहे। अल्लाह अकबर, हाँ वक्त रुकता नहीं है, जैसा भी वक्त हो अच्छा बुरा गुजर जाता है। बस मैं कहती हूँ कि सेहत होनी चाहिए, बस अल्लाह ताला सबकी खुशियों को सलामत रखे, कभी भी किसी की खुशियों को किसी। मेरी जान है बीमारी, ये किसी के बस में तो नहीं ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आपको जब से दे देनी है ना, सारा कुछ वापस आ जाना है। किसी का दिल तो नहीं करता ना कोई बीमार हो। पाकिस्तानी मिठाई खानी तुसी? कौन सी मिठाई खानी है आपने? हैं सुनो, मिठाई भी है, मैं ये खाऊंगी। खैर जी, सारा चैंतर घूमते घुमाते पे यहाँ पे एक पाकिस्तानी डोनर था, वहाँ पे हम लोग आए, तो नवीद ने कहा कि चलो इनके जो है ना समोसा चाट बहुत मशहूर है, थोड़ी सी वो खाते हैं। हम लोगों ने एक ही प्लेट ऑर्डर की थी, घर से खाना अच्छे से खाया हुआ था, तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। खैर हमने एक समोसा चाट ऑर्डर की, साथ हमने जो रेड वाली मिठाई है ननवीद को मैंने कहा मैं वो ज़रूर टेस्ट करूँगी, 2 पीस वो ऑर्डर किए। यहाँ चैंतरों से बाहर निकलते हैं ना, तो आगे वाला एक प्यासा है, वहाँ पे एक तुर्किश औरत पिज़्ज़ा बनाया करती थी, क्या ही स्पेशल मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा था ना कि आपकी याद मैं आपको बता नहीं सकती। दोनों चिपोला वाला पिज़्ज़ा उसके पास होता था, फिश और फिश वाला पिज़्ज़ा। लेकिन खैर उसके बाद हम ये एक ऑफिस में आए, यहाँ पे हमारा काम था वो हमने करवाया, और उसके बाद हम वापस आ गए। यहाँ पे एक और पाकिस्तानी शॉप थी, तो वहाँ पे आए नवीद। खाना उन्होंने यकीन करें नाश्ता करना है कि लंच करना है,
ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਓ ਪੈ ਸਕਦੇ ਲਾਰੇ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦਵਨ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਸ ਨਾ ਆਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਨਕਾ ਗੁਰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਬਸ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਤੋ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੀਜ਼ੇ ਜੀ ਜੀ ਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਵਰ ਭਾਈ ਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾ ਕੋਲ ਖੋਤੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਹੀ ਰਵੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨੀ ਆ ਬੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਆਖਣ ਦੇ ਹਰੇ ਸਰਵਰ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰਾ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੇ ਪਿਛਾ ਕੋ ਮੂਡ ਬਣੇ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੂਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਬੀਵੀ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਰੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਦੀਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੈਸੇ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ कुछ बातें आपको सुनाने का जस्ट ये मकसद है कि कभी भी जिंदगी में आप मायूस ना हो और दूसरी बात हमेशा अपना दी बेस्ट करके जाएं आप जहाँ पे भी रह रहे हैं जहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो भी जिम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने आपके सर पे लगाई हैं ना उनको ईमानदारी के साथ दी बेस्ट करके जाएं तो फिर देखिएगा रहती दुनिया तक आपका नाम लिया जाएगा और फिर जो आपको सुरखरुई मिलती है ना अल्लाह ताला की ज़ात के पास वो उसका अजर तो क़यामत वाले दिन मिलना है नवीद जहाँ भी गए जिस बंदे ने नवीद को देखा ऐसे हर बंदा नवीद को मिल रहा था ना ऐसे और हर बंदा कहे आप हमारे पास रुकें आज हमारे घर आके रुकें सो इन लोगों का बहुत सारा ये जो प्यार है ना प्रातों वालों का ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकती आप लोगों ने मुझे बहुत सारा कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो उस औरत के बारे में जिनके घर हम लोग जाके रात को रहे वो मेरी कज़न नहीं है नवीद के कज़न ने हमें उनके पास रात रुकने के लिए रूम लेके दिया सो हम उनके पास रुके मैंने आपको बताया था नवीद सो गए मैं सोने के लेटी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो बाहर बैठी हुई थी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके उनके पास थोड़ी देर बैठूँ हम पाकिस्तानी हैं ना हम किसी भी जो परदेश में रहने वाले पाकिस्तानी हैं ना उनको कोई अपना नज़र आता है ना कोई पाकिस्तानी बहन भाई तो बहुत दिल करता है दिल की बातें सुने दिल की बातें कहें सो मैं उनके पास बाहर जाके बैठी मैंने ना उनसे जाके ये क्वेश्चन किया मैंने कहा आपके फैमिली कहाँ हैं आप मुझे अकेली नज़र आ रही हैं
तो यकीन करें उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सैड भी हुई, ओ माय गॉड कि मैंने इनसे क्यों ऐसा ये पर्सनल क्वेश्चन पूछा है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे 16-17 साल की थी जब मेरी शादी हुई, शादी होकर मैं बाहर इटली में आ गई। उसके बाद उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वक्त गुजरता जा रहा था। उन्होंने कहा मेरी सास ससुर मेरी नंद मेरे साथ रहती थी और मैं जॉब किया करती थी फैक्ट्री में। 8-10 घंटे फैक्ट्री में जॉब करनी, उसके बाद घर आना, खाना बनाना, सारे घर को देखना, सारा कुछ करना। उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारियां मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाली हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सास ना उनको बहुत ज़्यादा उनसे लड़ा करती थी। वो कहती थी मेरे से एक गिलास बर्तन का भी टूट जाता था ना तो मुझे कहती थी क्या तुम जहेज में लेके आई हुई हो। तो बहुत डरते डरते ना उनके ज़िंदगी के शब रोज़ गुजर रहे थे। लेकिन वो कह रही थी फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, तो बस ठीक है। फिर क्या हुआ, कहती हैं जब मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, मेरा हस्बैंड मुझे पाकिस्तान लेके गया बड़े अच्छे तरीके से कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान जाके वापस आने में एक दिन रह गया था तो उसने कहा डॉक्यूमेंट दो, मैं टेस्ट वो फोटोकॉपी वगैरह करवा के लानी है। उन्होंने कहा कि वो मेरे से डॉक्यूमेंट लेके गया, मेरे भी डॉक्यूमेंट, बच्चों के, अपने सबके। और अगले दिन वो रात को वापस नहीं आए, अगले दिन वो वापस इटली चले गए। ये जो सिस्टर थी ना इनके डॉक्यूमेंट भी वो बंदा बाहर ले गया और अगले दिन जाके उसने इनको डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए। कसूर यहाँ पे उस औरत का, मैं तो ये बात सुन के हैरान, कैसे एक बाप अपने बच्चों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकता है, किस तरह। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक साल इतना रोती धोती रही लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करूँगी, मुझे दोबारा से उठना है, अपने पाँव पे खड़े होकर मैं दिखाऊँगी उस शख्स को। उन्होंने कहा मेरी इटली में एक दो फ्रेंड्स थी, मैंने उनको कॉल की, उनको कॉल करके मैंने एक वकील लिया, वकील से मैंने बात की और वहाँ पे उन्होंने जॉब अप्लाई करने के लिए कहीं पे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी दी हुई थी। उस वकील ने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसने दोबारा से इनका दुमांदा किया, पेपर्स मिले, दोबारा से पाकिस्तान भेजे और 1.5 साल के अंदर ये वापस आ गई। वापस आने के बाद इन्होंने एक मनी ट्रांसफर की शॉप बनाई, इन्होंने एलिमेंटारी की शॉप बनाई, शॉप को 8 साल तक चलाती रहीं, दिन रात स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की उन्होंने दिन रात। यहाँ पे आके भी वो शख्स जिनसे जीत गया, बच्चों ने बाप के हक में बयान दे दिया। आपको पता है बच्चों को डरा धमका के हम कुछ भी उनसे करवा सकते हैं। 100 बच्चे मासूम थे, उनको डरा धमका के उसने बच्चे भी अपने हक में कर लिए, इनको कुछ ना मिला। फिर क्या हुआ कि एक इनकी शॉप पे अरबी आया, उसने कहा कि मुझे ना एक रेंट चाहिए रूम के लिए। और इस औरत ने कहा कि मेरे पास घर है तो चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। उसने कहा कि मुझे ना जस्ट 2-3 दिन के लिए चाहिए, मैं यहाँ पे टूर करता रहता हूँ, मैं डिफरेंट कंट्रीज में जाता हूँ तो मैंने कभी कभार रहना है लेकिन मुझे सामान रखना है, सो मुझे एक प्रॉपर रूम चाहिए। इन्होंने वो रूम इसको दे दिया। उसने घर आके देखा कि इनका घर तो बहुत प्यारा है, कोई बंदा रहने वाला भी नहीं। उसने कहा कि आप एक ऐप है वहाँ पे जाके Airbnb, वहाँ पे जाके एक अकाउंट बनाएं, अपना एक रूम रेंट पे लगा दें। बाजी ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपना रूम रेंट पे लगाऊं। उन्होंने कहा तुम ट्राई करना। खैर इन्होंने क्या किया, बाजी ने फिर वो रूम एक ऐप, वो जो ऐप था वो डाउनलोड किया, उस पर अपना सारा कुछ जो है वो मेंशन किया, रूम की पिक वगैरह बना के भेजी। कहती हैं कि नेक्स्ट डे ही मुझे एक कपल मेरे पास आ गया 7 डेज के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं क्या ये काम कर सकती हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे वो जो जिस एरिया में रह रही थी ना वो टूरिस्ट एरिया था, सो उनको मंथ में ना ऑर्डर्स जो उनके रूम है वो बुक होने लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास 3 बेडरूम्स थे तो मैंने दूसरा बेडरूम भी रेंट पर लगा दिया। सो करते करते उन्होंने कहा मैं शॉप पे काम कर करके बहुत थक गई कि मेरा एक किडनी भी डैमेज हो गया, उनका एक किडनी बिल्कुल डैमेज हो गया, 20% पे आ गया। सो शॉप को कैरी ऑन करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उस टाइम देखें वो कैसे अरबी उनसे मिला और उनका घर रेंट पे लगने शुरू हो गया, शॉप उन्होंने सेल कर दी। वो बताती हैं कि मुझे ना फिर घर बैठ के इतना रेंट, मतलब इतने पैसे मिल जाते थे कि मेरा घर का रेंट निकल जाता था, मैं खाना पीना कर सकती थी, ये सारा आराम से हो जाता था। उनकी फैमिली ने कहा कि तुम एक और शादी कर लो, ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। उस शादी के साथ भी इनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने कहा कि इतने जुल्म सूरत ने सहे, इतना कुछ उसके साथ हुआ और लेकिन वो इतनी साबिर, इतनी बहादुर, उनको देख के नहीं लगता कि उन्होंने इतनी सारी ज़माने की ठोकरें खाई हैं। उन्होंने कहा मैंने इतना कुछ फेस करने के बाद अपने आप को अब रिलैक्स कर दिया है, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। और
वो कहती हैं कि शायद बच्चों और हस्बैंड का सुकून मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, तो बहुत ना मेरे दिल को ऐसे हो रहा था। फिर बहुत सारी मैंने उन्हें तसल्ली दी बहुत ज़्यादा, और वो कहती हैं कि मैं दिल की बात कभी भी किसी से नहीं करती, पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे लगा कि मैं आज अपने दिल का गुबार आपके सामने मैंने इतना सारा रख दिया है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगा उनकी बातें सुन के। फिर मैंने उनको बताया शायद आपको इसलिए लगा है ना कि मैं खुद, मेरे साथ एक ट्रेजेडी चल रही है मेरे हस्बैंड की बीमारी की, और मुझे आपको सुनना अच्छा लग रहा है। जो खुद बंदा किसी दर्द में होता है ना, वो किसी के दर्द को महसूस भी कर सकता है, वो सुनना भी चाहता है। आप सब लोगों के साथ ये बातें शेयर करने का ये मकसद है कि कभी भी ज़िंदगी में आपके हालात आपके मुखालिफ सिमत में खड़े हो जाए ना, तो मायूस मत होइएगा कभी भी। अभी वो कहती हैं कि मैं अपने, मेरा टाइम नहीं गुजरता, तो मैंने अपने आप को थोड़ा बिज़ी करने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो फूड पांडा वगैरह पे जो लोग खाना लेते हैं अगले घर में जाके डिलीवर कर देते हैं, कहती हैं मैं साथ ये भी काम करती हूँ, और फिर भी इतना सारा काम करके भी कहती मुझे रात को नींद नहीं आती कभी कभार, तो मैं रात को यहाँ सोफे पे बैठी रहती हूँ और मैं इंतज़ार करती हूँ कि शायद मेरे बच्चे मुझे कभी फ़ोन करेंगे। वो कहती है मैं तो 24 घंटे अपने मोबाइल का नेट ऑन रखती हूँ, बेल ऑन रखती हूँ कि शायद शायद कभी मुझे मेरे बच्चे कॉल करें। अल्लाह ताला उन सिस्टर के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, गैब से उनकी मदद करे, आमीन। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था, अगर मैं उनका बाकी पूरे वाला वाक्या भी शेयर करती ना, पूरी ज़िंदगी शेयर करती, तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ज़िंदगी में जो कुछ नहीं मिला उसको छोड़ के जो कुछ मिला है उस पर सब्र शुक्र करना सीखें, तो जो नहीं मिला वो भी मिल जाता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।